राजस्थान कैडर के 1983 बैच से भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुभाष चंद्र गर्ग ने वित्त मंत्रालय से तबादले के एक दिन बाद ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS के लिए आवेदन किया है। वित्त मंत्रालय में सबसे वरिष्ठ नौकरशाह सुभाष चंद्र गर्ग आर्थिक मामलों के विभाग के प्रभारी रहे और उन्हें वित्त सचिव भी नामित किया गया था। हालांकि आश्चर्यजनक तरीके से बुधवार को जारी एक आदेश के तहत उन्हें बिजली सचिव बना दिया गया। गर्ग की जगह निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव अतनु चक्रवर्ती को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वित्त मंत्रालय की तुलना में बिजली मंत्रालय को अपेक्षाकृत हल्का विभाग माना जाता है। आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में वो राजकोषीय नीति और RBI संबंधित मामलों के प्रभारी थे। केंद्रीय बजट तैयार करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वित्त मंत्रालय से गर्ग की विदाई मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट को संसद की मंजूरी से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के एक दिन बाद की गई। सूत्रों के अनुसार गर्ग नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में बृहस्पतिवार को सुबह आए, लेकिन दोपहर बाद चले गए। नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय का दफ्तर है। ये अभी पता नहीं चला कि गर्ग ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए सरकार को आवेदन कब दिया और क्या सरकार ने उनका आवेदन स्वीकार कर लिया है। अगर उन्होंने VRS के लिए आवेदन नहीं किया होता तो वो अक्टूबर 2020 में 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होते। IAS अधिकारी गर्ग 2014 में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बनने के बाद चर्चा में आए। वो वहां 2017 तक रहे। उसके बाद उन्हें जून 2017 में आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव बनाया गया। मार्च 2019 में AN झा के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें वित्त सचिव बनाया गया। वित्त मंत्रालय में चली आ रही परंपरा के मुताबिक मंत्रालय के 5 सचिवों में से जो भी सबसे वरिष्ठ होता है उसे वित्त सचिव नामित किया जाता है। हालांकि VRS के लिए आवेदन करने के बाद इस बारे में गर्ग से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।